बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खातिर हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ हमारे कानों में बार बार पड़ता है, ये गॉसिप है। मर्द भी करते हैं पर औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। जब पुरानी सहेलियाँ मिल के बैठें तो भी, ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ बैठें तो भी, ख़ानदान की बड़ी और छोटी औरतें बैठें तब भी, इवन दफ्तरों में दो चार औरतें लड़कियाँ मिल के बैठें तो भी, गॉसिप बेसिकली वक्त गुजारी का एक बहाना होता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि गॉसिप करते करते अंदर की नफ़रत और अंदर का जो जहर है, जैसे अगर आपने कभी सांप को जहर निकालते देखा हो तो चंद सेकंड में वो पिचकारी मारता है और वो जहाँ जहाँ जाके वो कतरे गिरते हैं, इवन जिस्म पे गिरें या आँखों में गिरें, सब कुछ ज़ाया कर देते हैं। ये जो गॉसिप है ये भी बर्बादी का बायस बनता है बहुत सारे घरों में और बहुत सारे रिश्तों में। कुछ औरतों को चस्का होता है, लाइक अगर आपकी सगी बहन है और उसको गॉसिप का चस्का है तो वो किसी भी बात का ज़रा सा पर लेके उसको इतना बड़ा बना के पेश कर देगी कि लिटरली आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। एक बच्ची पिछले दिनों उसने ख़ुदकुशी की और जिस डॉक्टर से उसका मैदा वाश हुआ उसने उसे मेरी तरफ़ रेफ़र किया और जब सामने आके बैठी तो बिल्कुल शी वॉज़ नॉर्मल लड़की। और मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन के घर गई थी और छुट्टियां थी तो हफ्ता भर मैं वहाँ रही और हफ्ता भर के दौरान मैं आराम भी करती रही, उनके साथ काम भी करती रही, पर हुआ ये कि उनके घर में उनका जो देवर था वो बहुत जॉली सा था तो उससे मेरी गपशप होने लग गई। हमने एक आध दफ़ा बच्चों के साथ निकले तो आइसक्रीम खाने चले गए, गाड़ी उसने ड्राइव की, एक आध दफ़ा हम किसी और को सामान वगैरह लेने गए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी। पर फिर ये हुआ कि हमें बातें करते देखकर बहन ने मुझसे पूछा कि क्या मामला है, तो मैंने कहा नहीं कोई मामला नहीं है, अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, जॉली सा है। तो उस वक्त तो बहन चुप रही। उसने अगले रोज़ फिर पूछा कि तुम उससे फ़ोन पर भी बातें करती हो, तो मैंने उसे कहा कि हाँ कभी कभी उसका आ जाता है। अभी आप सोचिए कि 5-6 दिन हुए उस घर में गए हुए, तो उसके बाद उसकी बहन ने वहाँ शोर मचा दिया और कहा कि तुमने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी। कुछ मामला नहीं हुआ, कहीं कोई गलती नहीं हुई, कहीं कोई कुताही नहीं हुई, सगी बहन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आदत है तो अपनी सास को बुला लिया, फिर अपनी मियाँ को बुला लिया और कहा कि इस बदबख्त ने ये किया। इवन उसने बात बढ़ाते बढ़ाते जो कहानी बनाई उसमें ये तक किया कि इसने इसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप सोचिए कि रसवाई अपनी बहन की, अपने ही ख़ानदान की, और लेकिन चूंकि ज़ुबान दराजी और गॉसिप का चस्का है तो वो गुस्से को एलेबोरेट करते करते फिर घर भी फ़ोन कर दिया, घर वालों को बुला लिया। अब सोचिए कि वो बच्ची जिसका कोई मामला था ही नहीं, यानी उसके दिल में कोई इंटेंशन भी नहीं थी, लेकिन एक हमें कभी कभी सोचने को अगर मिले तो आप सोचिए कि ये क्या एबनॉर्मेलिटी होती है कि जहाँ इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करने का चस्का होता है। ये मुझे लगता था शायद गांव की औरतों को ज़्यादा होता है क्योंकि वो लाउड होती हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, पर ये शहर की औरतों में भी इसकी कोई कमी नहीं है। जब जहाँ वक्त मिले, मौका मिले, अपने आप को नुमाया करने, क्योंकि वो जो गॉसिप है आपके मुँह से आगे चलनी है तो उसकी सोर्स आप हैं। पर एक लम्हे को ज़रा रुक के सोचिए, क्या ये वाकईतन गॉसिप है? ये फिल वाकई ही तोहमत है। आप अगले की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। ये अपनी बहन हो, अपना भाई हो, किसी दूसरे की बहन या भाई हो, अपने किसी बहन भाई को नीचा दिखाने के लिए, अपने ख़ानदान में अपना नाम को और अपने मुकाम को ज़रा बुलंद करने के लिए, अपनी पोजीशन को, अपनी ग्रिप को ज़रा तगड़ा करने के लिए, कोई भी उसकी रीज़न रही हो, जिन जिन घरों में कुछ औरतें और कुछ मर्द, ये आपका जेठ भी हो सकता है, ये आपका देवर भी हो सकता है, ये आपकी नंद भी हो सकती है और ये आपकी सगी बहन भी हो सकती है, ये सगा भाई भी हो सकता है। अभी तो जिस तौर पे ज़िंदगी चल रही है, इन सारे रिश्तों के बारे में मैं लिटरली दिल से डरता हूँ, पर ये कहता हूँ इन सब से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हम आमतौर पर अपने दिल की बात अपने करीबी लोगों से कर देते हैं, उस बात को करने से पहले 10 दफ़ा सोचा करें कि जो ही ये बात मैं करूँगी तो अगला इसको 2 से ज़रब देगा या 10 से ज़रब देगा, वो बात कितनी बड़ी बनेगी, क्योंकि जब उसके मुंह से निकलेगी तो उसकी इम्पोर्टेंस बनेगी कि कितना बड़ा राज है जिसने मुनकशिफ किया है।
और इन राज में जो राज वाली बात होती है वो शायद इतनी पिद्दी सी होती है, बाकी सारी एग्जेजरेशन होती है, मुबालगा होता है, पर मुबालगे में आप दूसरे की ज़िंदगी को रसवाई की हद तक पहुंचा देते हो, उस ख़ानदान में, उस छोटी लेयर में, उस बड़े सर्कल में, जहाँ जहाँ तक वो बात जाती है, सुना तुमने उस लड़की के बारे में, सुना तुमने उस लड़के के बारे में, उसने ये किया, उसने ये, अब आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, फिर आप रो रो के अपनी बेगुनाही का सबूत दें तो इल्ज़ाम के बाद सबूत नहीं माना जाता। आमतौर पे जो पहल करता है वो इल्ज़ाम लगाने वाला, तो उसकी बात इवन लोगों को अगले 10-10, 20-20 साल उस इल्ज़ाम के साथ जीना पड़ता है कि जिसके वो मुर्तकिब भी नहीं हुए होते, जो गलती उन्होंने की भी नहीं होती, पर उस गॉसिप के शौकीन बंदे ने या बंदी ने, दोस्तों में मैंने निस्बतन ये कम देखा, मुमकिन है जो ख्वातीन दोस्तें हैं वो ज़्यादा करती होंगी, लेकिन मेल दोस्तों में मैंने निस्बतन ये गॉसिप कम देखी है। कुछ ऐसे हैं जो ख्वातीन के साथ बैठते हैं चुस्कुरे, वो ख्वातीन के साथ हाँ में हाँ मिलाते बात को आगे पहुँचाते हैं, पर जो बात मैंने ज़िंदगी में सीखी वो ये है कि एक चुप और 100 सुख। अगर ऐसी किसी जगह पे कोई ऐसी बात हो भी रही हो तो आपको चुप रहना ही जेबा है। कभी बात को वो तुनका लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ और शामिल ना कीजिए, ये गीबत से अगले दर्जे की बात है। यहाँ तो उस बेचारे लड़के की या लड़की की बदनामी और रसवाई होगी, लेकिन बात कहने वाले को जो सज़ा मिलेगी वो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। उससे बचना चाहिए, उससे डरना चाहिए, और उस इबरत का निशान बनने से तो बकायदा अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि गलती करते हुए वो गलती एक सांप की तरह होती है, अंडे बच्चे इतने देती है कि फिर आपसे संभाले नहीं संभलते, और ये जहरीला इतना होता है कि रिश्ते काट देता है, दिल काट देता है। वो बच्ची जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया, आप सोचिए कि अपनी सगी बहन की बातें और इल्ज़ाम जब सह नहीं पाई, और घर आके भी उसको, उसके घर वाले फ़ौरन पहुँचे, उसके वापस ले आए, लेकिन घर आके भी उसको वो बातें सुननी पड़ी, सहनी पड़ी, और देट वॉज़ अ मोमेंट जब उसने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जीना। अच्छा, ये भी चूँकि हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, हम आमतौर पर अपने बच्चों को इस तरह की ओरिएंटेशन नहीं देते कि कभी वस्त सूरत हाल सामने आ जाए और दुनिया तंग होने लगे तो क्या फिर टक्कर मारनी चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, या फिर बहादुर मर्दों और औरतों की तरह सामने खड़े को उसका फेस करना चाहिए कि यस इट्स नॉट ट्रू, ये जो कह रही हो ये झूठ है, और झूठ के लिए 2-3 सबूत ही काफ़ी होते हैं। कोई गवाही है? नहीं है। क्या तुमने अपनी आँखों से देखा है? नहीं है। जिस पे इल्ज़ाम है क्या वो इल्ज़ाम को कबूल कर रहा है? जिस पे इल्ज़ाम है वो भी कबूल नहीं कर रहा, जिस की वजह से इल्ज़ाम लगा वो भी कबूल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये पूरी कहानी, अदालतें तो ऐसे मौक़ों पे और ऐसे शानदार दलाइल की वजह से कत्ल के मुल्ज़िमों को भी माफ़ कर देती हैं, पर हम अपने घरों में अपने ही बहन भाइयों की ज़िंदगी में इज़्ज़त भी ले लेते हैं, जान भी लेने के दर पे होते हैं। अब ये बच्ची अगर ना बचती तो इसका कत्ल अम्द उसी बहन पे भी जाना चाहिए था कि जिसने इस हालत को मजबूर किया। वैसे अब सोचिए कि क्या ये सारी उम्र कभी उस बहन की दोबारा शक्ल देखना चाहेगी, उस घर में कभी जाना चाहेगी, उसके बच्चों को कभी प्यार करना चाहेगी, या उससे कोई रिश्ता रखना चाहेगी कि जिसने उसको एक खून होने के बावजूद सिर्फ अपनी ज़ुबान की लज्जत की वजह से, आदत की वजह से इस मंजिल तक पहुँचा दिया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।